नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है JK247 में और मैं हूं अनिल शर्मा। मैं आया इस वक्त चड्डा वुड इंडस्ट्री में मौजूद हूं और आपको बताते चले यहां पर आज हमारा आने का मकसद ये है और एक आपको सच्चाई से सामना करवाने जा रहे हैं। ये कहानी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बल्कि दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी हैरान करने वाली और कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबरें आपने सुनी होगी पिछले दिनों कि लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और आज यहां पर मेरा आने का मकसद और सच्चाई दिखाने का मकसद इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार जो पिछले एक साल पहले भी इन्होंने काम किया और इस दूसरी वेव के अंदर लगातार दिन रात ये मेहनत करते रहे। मेहनत किसके लिए की वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर वो मेहनत कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए की कि जो कोरोना से ग्रस्त है, जो कोरोना से जिनका देहांत हुआ, ये उनके लिए बॉक्स बनाते थे। ये आप देखेंगे, ये पूरा इनका इंडस्ट्रियल जो इनका स्टोर है, मैं आज वहां पर पहुंचा हूं। मेरे साथ ये जनाब हैं, ये पिछले काफी दिनों से इस बॉक्स को बनाने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन। पवन जी, क्या कभी आपने इस तरह से सोचा था कि आपको 40-50 डब्बे बनाना, कभी आपने इस तरह से सोचा था? कभी आप बेड बनाते थे तो आज इस तरह से आप ये 40-50 डब्बे दिन के बना रहे हैं कोरोना महामारी के बीच में? आपने कभी इस तरह से सोचा था कि कोरोना आएगा तो आप पे इतना बर्डन हो जाएगा? दरअसल हम यहाँ पे फर्नीचर का काम करते हैं, बेड शेड बनाते हैं, वो लड़कियों की शादी में सामान बनाते हैं, लोगों के फंक्शन होते हैं घरों में उनका सामान बनाते हैं। अचानक 2 महीने पहले हमारे पास ये आ गया, एक कभी हमने 7 डब्बे बनाने, कभी 2, कभी 3, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया काम। हमने सोचा कि शायद ये थोड़े दिन का काम है, 2-4 दिन का काम है। पिछले साल में भी हमने काफ़ी कॉफिन बॉक्स बनाए थे 2020 में, तो इस टाइम भी पिछले महीने भी आ गया बहुत काम। उससे पहले ही थोड़े थोड़े बनाते थे, तो ये थोड़े दिन पहले की बात है कि कभी 20 चले गए, कभी 15, कभी 16, एक दिन तो बिल्कुल 40 जब हो गए तो हमारे जो मिस्त्री हैं मेरे साथी, वो तो बिल्कुल अपना हौसला छोड़ दिया उन्होंने, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि ये अरे ये अगर हम काम छोड़ देंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हमारे जम्मू शहर में महामारी आई हुई है, तो हम तो काम करेंगे, तो हमें खुद भी डर लगता है, हमने कभी इतना काम किया नहीं ये वाला, तो हम डरते रहे कि मतलब ऐसे हमने सोचा 2-4 दिन का काम हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। अब थोड़ा थोड़ा ये इस महीने में थोड़ा काम हो गया, पिछले महीने में 25-26 तारीख से ये थोड़ा थोड़ा धीरे काम हो गया, आज फिर थोड़े वक्त से ले गया, कल भी ले गए थे। तो हम नहीं चाहते कि ये काम बंद होना चाहिए, मतलब ये कोरोना का जो है, वो लोग भी कोरोना का जो है मास्क के बिना नहीं फिर घूमना चाहिए। वो घरों में जाती है जिनके घर में दुख मातम का माहौल, ये कोरोना पेशेंट के घर पे ये बॉक्स जाते थे, क्या सोचा आपने इस तरह से, क्या सोचते हैं आप? हम इतने बक्से बना बना के खुद भी डर गए थे कि हमारी भी पीछे फैमिली है, हमें ना कुछ हो जाएगा, फिर भी हमने सोचा कि हमारे जम्मू शहर के और हमारे देशवासी जम्मू कश्मीर के लोग इस टाइम में परेशान हैं। फिर मैंने अपने मिस्त्री को समझाया कि भाई हमें काम तो करना पड़ेगा दिल रख के। हम सुबह 7 बजे आते थे और आ क्योंकि 11:30-12 भी बज जाते थे हमें। वो एक दिन तो मेरा मिस्त्री ये रोने लगा, तो एक दिन मैं भी रोने लगा कि मतलब हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, तो हमें बहुत दुख के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लग रहा हमें। हम बोलते हैं कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए, हम अपना काम फिर शुरू करें। देख सकते हैं कि काफ़ी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि काफ़ी दुख भरी कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय फाउंडर हैं चड्डा वुड इंडस्ट्री के, मोहित जी। मोहित जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, क्या कभी आपने सोचा था कि इतनी तादाद में ये बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे आपको, कि आपके शादी ब्याह में ये सब चीज़ें जाती थी, ये लगातार एकदम से महामारी आई, आप पर इतना बर्डन पड़ गया, क्या आपने सोचा था कि इतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे? सर जैसे कि कॉफिन्स बना रहे थे पहले 8-10 साल से मैं कॉफिन्स बना के देता था, बट वो महीने में 1-2 होती थी, किसी को ज़रूरत होती थी, कोई बॉडी बाहर जानी है या कोई आर्मी पर्सनल यहाँ पे जब शहीद होता था उनके लिए कॉफिन्स बनते थे, बट ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की महामारी आएगी और कॉफिन्स का मतलब एकदम से
ये हो जाएगा, लाशों का अंबार लग जाएगा, जिसे मतलब बंद करने के लिए हमें कॉफिन्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे कितने बॉक्सेस जाते थे डेली, ये कफ जो हम अगर देखें तो डेली आए दिन, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो जम्मू जीएमसी में अगर हम देखते तो 40-50 का आंकड़ा मृत्यु का देखने को मिलता था। कभी आपने सोचा था ऐसा? सर ये जो आंकड़ा 40, 30, 32, 40 का पहुंचा है सर, ये मई के फर्स्ट 10 दिन में, मई 1 से 10 तक। सर इस दौरान हमें भी मतलब कैजुअलिटीज काफ़ी देखने को मिली, तो इनफैक्ट कि हमारे कारीगर जो हैं कॉफिन बनाने वाले, ये भी रो पड़े थे उस दिन कि इतने इतने कॉफिन जा रहे हैं। मतलब दिल तो हमारा भी नहीं करता कि क्या हम काम कर रहे हैं, बट क्या करें, कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द लेके मजबूरी जो पड़ी हुई है उसे निभाना ही है कि ये करना है अब किसी ना किसी तरीके से, जम्मू में इन्फेक्शन कम हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर कितना डाटा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे मांगा है, और जो आपने कॉफिन्स भेजे हैं, कितने कॉफिन्स भेजे हैं जो जम्मू जीएमसी में? सर जिस तरह से डेथ रेट में काफ़ी भारी गिरावट आई है, अब पिछले 4-5 दिन से देखेंगे डेथ रेट में काफ़ी भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से जीएमसी 6, 7, 8 कॉफिन्स पर डे के इस टाइम पे ले रहे हैं। अच्छा 6-7 ले रहे हैं जी। ये आपको कॉल आता है या आप उन्हें? सर कॉल ही आता है मॉर्चरी डिपार्टमेंट से, हमें इतने कॉफिन्स की रिक्वायरमेंट है तो सो प्लीज़ आप भेज दीजिए, एम्बुलेंस आती है उनकी और वो उसमें डाल के हम भेज देते हैं जी। तो पिछले दिनों जो ये बॉक्सेस गए हैं, लगभग जिस तरह से आंकड़ा जब 30 का दिखाया जाता था, 40 का दिखाया जाता था, तो आपसे एक्स्ट्रा बॉक्सेस मंगाए जाते थे या उतने ही लिए? सर उतने ही लिए जाते थे, हो सकता है एक आधा बॉक्स उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, बट बॉक्सेस उतने ही रिक्वायर्ड होते थे जितनी की डेथ होती थी यहाँ पे। एक्स्ट्रा नहीं लेते सर? एक्स्ट्रा नहीं, एक्चुअल जितनी कैजुअलिटीज होती थी उसी के अकॉर्डिंग वो बॉक्सेस लिए जाते थे, फिर उन्हें पैक करके कॉफिन्स में रखा जाता था बॉडीज को। मैं आज जम्मू के चड्डा वुड इंडस्ट्री के अंदर, जो मेरे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे मोहित जी जो इसके फाउंडर हैं, और ये पूरा का पूरा इनका ये स्टोर है, स्टोर के अंदर ये पूरा काम करते हैं, इनके कारीगर यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बॉक्सेस भी दिखाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा ये इनका ये स्टोर है, ये स्टोर के अंदर आप देख सकते हैं, आज भी मैं आपको गिन के बताऊंगा ये बॉक्स आज शाम को जम्मू जीएमसी में रवाना होंगे। ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और इसके बैक साइड भी इसी तरह से 5, 6, 7, 8 8 बॉक्स तो यहां पर हो गए, और इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे 9, 10, 11 आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार मृत्यु दर का आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जम्मू में ये कहानी बताते हुए मुझे भी काफी ज्यादा हैरानगी लग रही है कि आज हम अपनी जनता को क्या दिखाने जा रहे हैं। इस समय देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं चड्डा वुड इंडस्ट्री है, और ये पूरा काम कर रही है और ये दारो मदार निभाती हुई नजर आ रही है और लगातार जनता के लिए ये काम कर रही है, और जनता को जागरूक होना होगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और सैनिटाइजर का उपयोग तो समय समय पर आपको करना है जिस तरह से SOPs गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। और ये मैं आपको पूरे का पूरा इनका स्टोर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले, 1-2 साल अगर पीछे चलें तो ये काम सिर्फ किस चीज़ के लिए किया करते थे, बेड्स बनाना, शादी ब्याह का सामान बनाना, ये उस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे, मगर अब काम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें सौंपा है वो बॉक्सेस बनाने का, कोरोना पेशेंट्स को जिनमें रखा जाता है। ये कहानी आज हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए, कैमरा पर्सन अश्विनी जी के साथ स्पेशल रिपोर्ट जम्मू से JK 24 के लिए, धन्यवाद।